दोस्तों, मैं लीना सिंगोदिया, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। और अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट व शेयर करें। आज हम बनाएंगे उपवास के लिए बथुए का रायता। उसके लिए हमने ये 100 ग्राम बथुआ लिया है। सबसे पहले हम इस बथुए को उबाल लेंगे। एक बर्तन में हमने पानी गर्म रख दिया है और इस बथुए को हम दूसरे बर्तन में पानी में डाल के और धो लेंगे एक बार अच्छे से। बथुए को अच्छे से धो करके और हम इस बर्तन में पानी में डालेंगे, इसे ढककर अच्छे से उबाल लेंगे। बथुए को हमने 4-5 मिनट उबाल लिया। अब हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए, हमारे पत्ते अच्छे से उबल गए हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें एक जाली में निकाल लेंगे। हम इन्हें थोड़ा ठंडा पानी डाल देंगे और इस थोड़ा इसे 2 मिनट हम इसे ठंडा होने देंगे। जब तक हमारा बथुआ ठंडा होता है तब तक हम ये राई को बारीक पीस कूट लेते हैं। मैंने ये आधा छोटी चम्मच राई ली है। इसे हम इमाम दस्ते में डाल के दरदरा कर लेंगे। इसे हम फिर से कटोरी में निकाल लेंगे। देखिए, इसे हमने एकदम बारीक कर लिया है। हमारा बथुआ ठंडा हो गया है और अब हम इसमें इसे जार में डाल के थोड़ा सा घुमा लेंगे, थोड़ा पीस लेंगे मोटा मोटा। बथुए को हमने पीस लिया है। हम ये रायता मिट्टी के बर्तन में बना रहे हैं। उसके लिए हमने एक मिट्टी का बर्तन लिया और 350-350 ग्राम हमने गाढ़ा दही लिया है। इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। ये दही हम इसमें डाल लेंगे। ये रायता हम व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए हम इसमें व्रत वाले मसाले डालेंगे। बथुआ अधिकतर सर्दियों में ही आता है तो हम ये सर्दियों में ही बना के खाते हैं। वैसे तो आप किसी भी उपवास में बना करके बथुए का रायता खा सकते हैं, लेकिन हम इसे शिवरात्रि के लिए बना रहे हैं तो ये मैंने व्रत वाला सेंधा नमक लिया है। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे, काली मिर्ची आधा छोटी चम्मच, जीरा आधा छोटी चम्मच। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ये बथुआ डालेंगे हमने जो पीसा है। थोड़ा पानी डाल के हम जार को साफ कर लेंगे। आप इसे कभी भी बना के खा सकते हैं। हम अगर नॉर्मली इसे वैसे खाने के लिए बना रहे हैं तो हम इसमें लहसुन भी कूट करके डाल सकते हैं। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी, गैस ऑन करेंगे और गैस पे हमने ये मिट्टी का दिया लिया है, ये हम रखेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। हमने इसे अच्छे से थोड़ा गर्म कर लिया है और अब हम इसमें ये 1 छोटी चम्मच तेल डाल रहे हैं। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे जब तक कि इसमें धुआं नहीं उठ जाती। ये हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम गैस बंद कर देंगे और इसमें ये हम राई जो हमने गर्म पीसी है ये राई हम डालेंगे। और इस दिए को हम हमारे रायते में अंदर छोड़ देंगे। 2 मिनट हम ऐसे ही बंद रहने देंगे। 2 मिनट हो गई है और ये हमारा टेस्टी बघार वाला बथुए का रायता बनकर के तैयार हो गया है। इसमें से ये दिया हम निकाल देंगे। ये हमारा टेस्टी बथुए का बघार वाला रायता शिवरात्रि के लिए बनकर के तैयार है। आप ये किसी भी उपवास पे बनाइए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।